हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने दो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, इन द नेविगेशन कनाल द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर शुड बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेविगेशन कनाल है, ठीक है, नेविगेशन कनाल क्या होती है जिसमें शिप्स की मूवमेंट होती है, यानी हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ शिप्स। जहां पे कनाल्स में अगर शिप्स की मूवमेंट होगी तो वहां पे जो वेलोसिटी है वाटर की वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर मीडियम होनी चाहिए। तो मैं आपको ये यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूं, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो यहां मान लेते हैं एक कैनाल है जिसमें पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे जा रहा है पानी। तो अगर वेलोसिटी इसकी बड़ी ज्यादा होगी तो यहां से तो जो शिप है वो इजिली ट्रेवल कर लेगी इस साइड, लेकिन जब उसको इस साइड वापस आना पड़ेगा तो उसको दिक्कत आएगी आने में, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी जो वाटर है उसकी वेलोसिटी हाई नहीं होनी चाहिए, यानी ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मीडियम की तो मीडियम भी नहीं आएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा स्मॉल, क्योंकि पानी की जो वेलोसिटी है अगर स्मॉल रहेगी तो व्हीकल या फिर जो भी शिप है उसको वापस आने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजंस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ फ्री वाटर इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहां पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर की इवेपोरेशन होती है, लेकिन वाटर कौन सा है, फ्री वाटर। फ्री वाटर का मतलब होता है जो पानी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो उस पानी की जो इवेपोरेशन रेट है वो किस सीजन में ज्यादा रहता है, किस सीजन में ज्यादा इवेपोरेशन होती है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि जो इवेपोरेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कौन से सीजन में करता है, टेम्परेचर इंक्रीज सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है हमारे पास समर सीजन में, ठीक है। तो समर सीजन अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे ज्यादा जो फ्री वाटर इवेपोरेशन होती है वो समर सीजन में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर टेबल मे बी लोअर्ड बाय मेथड, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल को लोअर करना है मतलब कम करना है, ग्राउंड में जो वाटर है उसके लेवल को कम करना है, तो वो कैसे करेंगे, कौन से मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्राउंड वाटर टेबल होता है क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास है अर्थ की सरफेस, इसके नीचे हमारे पास सॉइल होगी कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे भी सॉइल होगी, मतलब इसके नीचे पूरी हमारे पास सॉइल होगी, हो सकता है उसमें वाटर भी हो कुछ, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास कहीं पे होगा वाटर का लेवल, ठीक है। इसके नीचे पूरा वाटर ही होगा, सॉइल के पार्टिकल भी होंगे, नो डाउट सॉइल के भी पार्टिकल होंगे, लेकिन इसके नीचे सॉइल में पानी भी होगा, लेकिन इसके ऊपर जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे उसमें पानी होगा लेकिन बड़े मिन्यूट अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे, बाद के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल है जहां तक पानी है ग्राउंड में, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल, GWT शॉर्ट में हम इसको ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है, GWT। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको हमने कम करना है, मतलब मान लो अभी ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल ये है, ठीक है, इसको हमने यहां पर लाना है, ठीक है। तो वो कैसे लाएंगे, उसके कुछ मेथड है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड है, पहले हम अपने मेथड देख लेते हैं, फिर हम इनसे मैच करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मेथड की बात करें तो जैसे कि फर्स्ट मेथड हम बात करें, जो फर्स्ट मेथड हमारे पास यूज होता है वो है डिचेस एंड डंप्स, डिचेस एंड डंप्स। सेकेंड मेथड हमारे पास यूज होता है वेल पॉइंट सिस्टम, वेल पॉइंट सिस्टम। तीसरा जो मेथड है हमारे पास यूज होता है शैलो गुड सिस्टम,
शैलो गुड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट मेथड की हम बात करें वो है डीप वेल सिस्टम। डीप वेल सिस्टम नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें वो है वैक्यूम मेथड। वैक्यूम मेथड और नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड ठीक है। तो ये कुछ मेथड हैं जो हम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर टेबल को कम करने के लिए, ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल कम करने के लिए ठीक है। तो इनमें से देख लेते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन से मेथड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पे है, मतलब ये भी आएगा। देन वैक्यूम मेथड, वैक्यूम मेथड भी यहाँ पे है, ये भी आ जाएगा। देन वेल पॉइंट सिस्टम, वेल पॉइंट सिस्टम भी हमारे पास है तो वेल पॉइंट सिस्टम भी आ जाएगा। सो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये है सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स। ये जो क्वेश्चन है ये सॉइल मैकेनिक्स का है, इसको हम बाद में सॉइल के सब्जेक्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम नीड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा इरिगेशन का टाइप है या फिर इरिगेशन सिस्टम है जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल जैसे कि हम बात करें पंप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, जहां पंपिंग वगैरह की या फिर पंप्स की जरूरत पड़ती है ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सी सप्लाई है ठीक है। अगर हम कंबाइंड सिस्टम में बात करें तो कंबाइंड सिस्टम में हम ग्रेविटी सिस्टम प्लस पंपिंग सिस्टम यूज करते हैं। कंबाइंड सिस्टम में ग्रेविटी एंड पंपिंग दोनों हम यूज करते हैं। स्टोरेज में हम सिंपली ग्रेविटी के थ्रू पानी को स्टोर कर लेते हैं ठीक है। और लिफ्ट इरिगेशन की अगर हम बात करें, ये लिफ्ट है, लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन में हम पंपिंग का यूज करते हैं, ऑनली पंपिंग का ही ठीक है। एंड पेरिनियल इरिगेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास हम इरिगेशन करते हैं ड्यूरिंग फ्लडिंग ठीक है, फ्लडिंग के टाइम पे ही हमारी इरिगेशन होती है ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें मैकेनिकल सपोर्ट की, तो मैकेनिकल सपोर्ट जहां पे खाली मैकेनिकल सपोर्ट के थ्रू हम पानी को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वो आएगा लिफ्ट इरिगेशन में, यानी हम पंपिंग करते हैं बाय यूजिंग पंप्स ठीक है। तो यहां पे भी पंप यूज हो रहा है और यहां पे भी यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे ग्रेविटी सिस्टम भी है, इसलिए ये जो है आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लिफ्ट इरिगेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैनाल इज नॉट प्रोवाइडेड विद एनी हेडवर्क फॉर डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से टाइप की ऐसी कैनाल है जो हम डाइवर्जन हेडवर्क में यूज नहीं करते। डाइवर्जन हेडवर्क का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं हमारे पास एक रिवर जा रहा, रिवर से हमने पानी डाइवर्ट करना है, यहाँ पे हमारे घर है ठीक है, यहाँ पे हमारे घर है, होम है, यहाँ के लिए हमने पानी डाइवर्ट करना है एक कनाल से के थ्रू। तो हम कौन सा ऐसा इसमें से वर्क है जो हम डाइवर्जन हेडवर्क में यूज नहीं करते, या कौन सी ऐसी कनाल है जो डाइवर्जन हेडवर्क में हमारे पास यूज नहीं होती। यहाँ पे नॉट है तो जो नहीं यूज होती वो हमने बतानी है ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे, ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट है परमानेंट कनाल। परमानेंट कनाल वो कनाल होती है जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, मतलब परमानेंटली उसमें पानी रहता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ हम बोल सकते हैं इसमें पानी रहता है, परमानेंट कनाल। दूसरी होती है फीडर कनाल। फीडर कनाल क्या होती है, एक कनाल होगी वो आगे फीड करेगी दो या तीन कनाल्स को, इसके आगे दो या तीन कनाल्स होंगी तो ये सबको फीड करेगी, सबको पानी प्रोवाइड करवाएगी। देन पेरिनियल कनाल क्या होती है, पेरिनियल कनाल होती है वैसी कनाल, मतलब इसको हम परमानेंट कनाल भी बोल सकते हैं, पेरिनियल कनाल को हम परमानेंट कनाल भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें भी थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर पानी इसमें रहता है। लेकिन इनंडेशन कनाल की बात करें तो इसको हम नॉन पेरिनियल कनाल भी बोलते हैं, नॉन पेरिनियल कनाल,
नॉन पेरिनियल कनाल भी बोलते हैं, मतलब इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं रहता, इसमें खाली हमें पानी मिलता है ड्यूरिंग फ्लड। जब हमारे पास फ्लड्स आएंगे तभी इस कनाल में हमारे पास पानी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डाइवर्जन हेडवर्क के लिए हमारे पास कौन से टाइप की कनाल सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी हमने कनाल देखी उसमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है, जैसे कि इसमें भी थ्रू आउट द ईयर रहता है, इसमें भी थ्रू आउट द ईयर रहता है, इसमें भी थ्रू आउट द ईयर रहता है, लेकिन जो लास्ट वाली डी ऑप्शन है इनंडेशन कनाल, इसमें पानी हमारे पास ड्यूरिंग फ्लड ही रहता है, तो इस कनाल को हम डाइवर्जन हेडवर्क के लिए यूज नहीं करते। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द वाटर लॉसेस आर मोर द आउटपुट एंड एफिशिएंसी इज, अगर हमारे पास वाटर लॉसेस ज्यादा है, ठीक है, वाटर लॉसेस ज्यादा है, पानी का लॉस ज्यादा है, तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी या सेम रहेगी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यहां से कोई पानी जाएगा सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे, मान लेते हैं ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, पानी यहां से जाएगा और यहां तक, मान लेते हैं यहां पे हमने 100 लीटर पानी रिलीज करा यहां से इस तरफ के लिए, ठीक है, और यहां पे हमारे पास खाली पहुंचा 90 लीटर पानी, कुछ यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस कहाँ पे हो गया, सीप हो गया चैनल से और वो मिट्टी में चला गया, तो 90 लीटर पानी हमें आगे मिला, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट हमें मिला वो 90 लीटर मिला, और इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी जो रहती है, एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला रहता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट कितना है हमारे पास यहाँ पे 90 लीटर, और इनपुट कितना है 100 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 90%, ठीक है, 90% एफिशिएंसी होगी, मतलब जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जब लॉसेस होते हैं तब एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेस एफिशिएंसी होगी, अगर लॉसेस ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन यूज्ड एज एन एग्जांपल व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कनाल क्रिएट्स वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन समझने वाला है कि कनाल का कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है, कनाल का कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो वाटर लॉगिंग को क्रिएट करता है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, पानी जो ग्राउंड का वाटर टेबल है, मैंने बताया था आपको ग्राउंड वाटर टेबल, ये इंक्रीज करते जाता है अप टू यहां तक आ जाता है, जो ग्राउंड का लेवल है वहां तक आ जाता है, और यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, ग्राउंड के लेवल पे पानी भर जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो इसने पूछा कि कनाल का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे हम ऑप्शंस की तरफ देखें, फर्स्ट है सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द कनाल, कनाल में से पानी सीप कर रहा है, ठीक है, इससे वाटर लॉगिंग होती है, होती है। दूसरा सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द हाईलैंड्स, हाईलैंड मतलब पानी, मतलब मान लो ऊपर लेवल पे है और हमने नीचे लेवल पे लाना है, तो यहां तक आने के लिए पानी सीप होगा, तो यहां पे भी वाटर लॉगिंग हो सकती है, हो सकती है। ओवर एन इंटेंसिव इरिगेशन, ज्यादा इरिगेशन करेंगे तब भी वाटर लॉगिंग हो सकती है, हो सकती है। देन एक्सेसिव रेन, ज्यादा रेन हो तब भी वाटर लॉगिंग हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कनाल का एस्पेक्ट बताना हमें, तो कनाल का एस्पेक्ट मतलब कनाल में सीपेज हो रही है, वो आ गया कनाल का एस्पेक्ट। सो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एलिमेंट दैट वरीज अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ वीड्स, ठीक है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिससे हमारे पास जो वीड की प्रोलिफिकेशन होती है, वीड्स की प्रोलिफरेशन क्या हो गया, वीड्स क्या हो गया, सबसे पहले जो वीड्स हो गए, जो भी छोटे मोटे प्लांट वगैरह होते हैं, जो क्रॉप में एक्स्ट्रा प्लांट लगते हैं, या फिर जो भी घास फूस जो लगता है उसको हम वीड्स बोलते हैं, तो प्रोलिफिकेशन क्या हो गया, इंक्रीज करना। तो किस केस में जो वीड्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द कनाल,
कनाल से पानी सीव करता है वो दूसरी जगह पे जाता है तो वहां पे विड्थ इंक्रीज होती है, इसमें भी होती है। सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड, अगर कोई एरिया जिसमें फ्लड आ गया है और उसका ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज कर रहा है उसमें विड्थ ग्रो करते हैं, करते हैं। ओवर एन इंटेंसिव इरिगेशन, इसमें विड्थ ग्रो करते हैं, इसमें भी करते हैं, एक्सेसिव रेनफॉल में भी करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें बहुत ज्यादा विड्थ ग्रो करते हैं तो वो है सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड्स। ठीक है, जब हमारे पास कोई गिवन एरिया है ठीक है तो वो पूरा सबमर्ज हो जाता है फ्लड की वजह से। जैसे कि मान लो यहाँ पे काफी सारी रेन या किसी वजह से भी यहाँ पे पानी आ रहा है फ्लड के थ्रू या कैसे भी पानी आ रहा है, यहाँ पे पूरा पानी भर रहा है, सबमर्ज हो रहा है ये पूरा एरिया फ्लड की वजह से, मतलब पानी भर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट्स छोटे छोटे उग जाएंगे ठीक है और उसको हम बोलेंगे प्रोलिफरेशन ऑफ विड्स, यानी विड्स की इंक्रीज हो रही है, विड्स जो है प्लांट वगैरह यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे हम फसल नहीं लगा सकते ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।